हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने कहा था बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो हमने एक्चुअली आपको वेक्टर एडिशन पढ़ा दिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पहले वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक्चुअल वीडियो लेक्चर देख लें ताकि इनको पता चल जाए वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। हालांकि मैं अभी रिकैप दे दूंगा और उसके बाद ही आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। यूनिट वेक्टर का भी बीच में कॉन्सेप्ट आएगा। इस तरह से जो अभी तक पढ़ा है उसको ढंग से एक बार पढ़ लें, दो या तीन वीडियो लेक्चर जो आ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने बताया था कि इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जो हम ट्रायंगल लॉ लगाते थे या पैरेललोग्राम लगाते थे, उसमें जो रिजल्टेंट का फार्मूला आता था बेसिकली वो ऐसा आता था, आर वेक्टर बराबर होता था वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। और जैसा कि मैंने वहां पर भी कहा था कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का मतलब पी प्लस क्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था आर स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है सभी को, ठीक है ना। अब इसमें मैक्सिमम रिजल्टेंट कब हो सकता है और मिनिमम कब हो सकता है ये भी वहां बताया था, फिर बता देता हूं। इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर हम थीटा 0 ले लें, हमें पता है cos 0 कितना होता है, 1 होता है, मतलब इस केस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं p और q। मैंने कहा था p और q से मतलब कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, दो फोर्स हो सकते हैं, दो वेलोसिटी है, व्हाटएवर। तो इस केस में जो आपका r मैक्सिमम आता था रिजल्टेंट वो आता था p प्लस राइट। और जब दो वेक्टर अपोजिट होते थे, मैंने तीन केस बताए थे, मैंने कहा वो तीनों आपको याद रखने हैं। इस थीटा इज इक्वल टू 180 जब होता था, मतलब अपोजिट वेक्टर होते थे, एक वेक्टर इस साइड में और एक वेक्टर इस साइड में, मतलब अपोजिट वेक्टर P और Q अपोजिट होते थे, तो रिजल्टेंट मिनिमम आता था वो आता था P डिफरेंस Q, ठीक है ना। और जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे, तीसरा केस था इस थीटा इक्वल टू 90, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में R बराबर आता था अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये तीनों केस आपको वापस मैंने याद दिलवा दिए हैं, इनका काम हम तमाम करेंगे अभी। और हमने एक और चीज बताया था, अगर रिजल्टेंट वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है पी के साथ, हमने टेन अल्फा का फार्मूला बताया था, क्यू कॉस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू साइन थीटा, इस तरह से हमने बताया था, ठीक है ना। सॉरी, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। चलिए आएगा तो उसकी बात कर लेंगे। तो क्वेश्चंस करने हैं हमें, थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में मैं बता दूं वापस, जैसे आपको बताया हुआ है, नॉर्थ लेंगे इधर, हम साउथ लेंगे इधर, ईस्ट लेंगे इधर, वेस्ट लेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस मान के इधर यूनिट वेक्टर हम आई कैप लेंगे, इधर माइनस आई कैप होगा, इधर जी कैप लेंगे, इधर माइनस का जी कैप लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था जेड एक्सिस इस तरह से होती है वर्टिकली अपवर्ड, तो हम इसको यहाँ ऐसे बनाते हैं जेड एक्सिस, तो यहाँ यूनिट वेक्टर की लेंगे, और अगर माइनस जेड है तो माइनस का की लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ले रखते थे ना, कुछ क्वेश्चंस हम लिखेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम सारे लिखेंगे नहीं, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, देर आर टू वेक्टर्स 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे मैंने कहा था देर आर टू वेक्टर्स 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, मतलब एक कोई वेक्टर 5 न्यूटन है, उसको मान लो पी वेक्टर 5 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर क्यू है वो है 12 न्यूटन, ठीक है ना। हेंस क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट, मतलब ये पी और क्यू दो वेक्टर दिए गए हैं, वो
क्वेश्चन कह रहा है अगर रिजल्टेंट मतलब आर हैज इन ऑर्डर टू रिजल्टेंट ऑब्टेंड रिजल्टेंट सेविंग न्यूटन वापस सुनना सेवेंटीन न्यूटन एंड थर्टीन न्यूटन। क्वेश्चन ये कह रहा है दो वेक्टर हैं वन इज फाइव न्यूटन एंड सेकेंड वन इज ट्वेल्व न्यूटन इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स जो भी दो वेक्टर होंगे पी की फोर्स भी हो सकते हैं सेवन न्यूटन का रिजल्टेंट लेना हो या सेवनटीन न्यूटन का लेना हो या थर्टीन न्यूटन का लेना हो तो तीनों केस में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है सेवन न्यूटन के लिए एंगल क्या होगा सेवनटीन न्यूटन ऑब्टेंड करना हो तो क्या होगा थर्टीन न्यूटन। देखिए बाब दो वेक्टर एक फाइव है ट्वेल्व है मैंने कहा रिजल्टेंट मिनिमम पी डिफरेंस क्यू बताकर रटना मत पी माइनस क्यू पी और क्यू का जो डिफरेंस होगा अगर क्यू बड़ा है तो क्यू माइनस पी आएगा रिजल्टेंट। तो ध्यान दीजिए पी है फाइव और क्यू है ट्वेल्व तो इनका जो डिफरेंस है वो सेवन है और रिजल्टेंट जो होता है वो मिनिमम सेवन ही आएगा ना बारह और पांच का मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा सेवन तो मिनिमम रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है देखो मिनिमम है ये है मैक्सिमम। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मिनिमम कब आता है जब थीटा 180 हो इसके लिए थीटा 180 होगा तभी आर बराबर आपका आता है पी डिफरेंस क्यू मैंने पी माइनस क्यू नहीं लिखा पी डिफरेंस क्यू पी और क्यू का जो डिफरेंस होगा वो आंसर आएगा और इन दोनों का डिफरेंस इतना होता है सेवन न्यूटन का मतलब सेवन न्यूटन अगर रिजल्टेंट लेना है हमें तो उनके बीच में कितना होना चाहिए 180 इसमें कुछ फार्मूला लगाना ही नहीं है आप फार्मूला लगाओगे तो भी ये आंसर आएगा P की जगह 5 ले लेना Q की जगह 12 ले लेना और R की जगह क्या ले लेना 7 लेना तो भी थीटा 180 आएगा। मैं कह रहा हूँ फार्मूला लगाने जैसे फार्मूले से तो P माइनस Q निकाला था थीटा 180 था व्हेन थीटा इज 180 डिग्री तो फार्मूले से क्या आएगा आंसर तो आंसर हमें 12 5 का डिफरेंस 7 चाहिए तो डिफरेंस वाला आंसर कब आ जाता थीटा 180 होता है अब प्लस का होता है थीटा कितना होता है 0 तभी R बराबर होता है P प्लस Q होता भाई ये रिजल्टेंट क्या वेक्टर नहीं है तो P और Q के मैग्नीट्यूड जुड़ जाते हैं तो ये 17 आ जाएगा आपका। तीसरा 13 न्यूटन कब आएगा रिजल्टेंट वैसे तो हमें पता है 12 और 5 क्योंकि अपन 12th स्टैंडर्ड में तो हर चीज को अगर फार्मूलेस करें तो मैंने कहा ना इट विल टेक लॉन्ग टाइम हमें पता है 12 और 5 परपेंडिकुलर होंगे ये 5 है और ये 12 अगर परपेंडिकुलर होगा तभी 13 आंसर आएगा ना आपको पता पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर तो ये 13 कब आएगी ये 13 कब आएगी जबकि दोनों कैसे हो गए परपेंडिकुलर ये हमें पता है जिनको नहीं पता है उनके पास में क्या होता है फार्मूला ना आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा आपको आर भी पता है पी पता है क्यू पता है ये सब पता है थीटा ही निकालना है थीटा आ जाएगा। तो ये तो एक तरह से ऑरल क्वेश्चन था स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने थोड़ा सा इजी ही लिया वैसे सारे क्वेश्चन इजी ही होते हैं जब हम कह रहा हूँ वेक्टर एडिशन के ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वेक्टर एडिशन तो एक ही होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बस आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 4i माइनस 3j दूसरा क्वेश्चन ए वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 3j एंड बी वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस 8j बी वेक्टर है 6i प्लस 8j क्या निकालना है अपने को देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी विल बी तो हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए प्लस बी कर लो भाई ने ए प्लस बी इसको और इसको दोनों जोड़ लो 4i 6i कितना हो जाएगा 10i माइनस का 3j और प्लस का 8j प्लस का 5j बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके पास आ गया ए प्लस बी अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमने बताया था किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ए प्लस बी वेक्टर है इसको कोई आप नाम आर भी दे सकते थे इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना तो अंदर मैंने क्या बताया था आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट ऑफ 125 कितना आएगा 5 अंडर रूट 2
डायरेक्शन अगर निकालनी है, डायरेक्शन के लिए फार्मूला था tan थीटा इक्वल टू ay अपॉन ax, मतलब j इसको ay कहते हैं, इसको ax कहते हैं, x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो रहेगा y अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y y, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। इसमें कुछ नहीं, फटाफट सारे क्वेश्चंस नोट करते जाइए, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपका ओडिशा जेई 2011 और यूपी सेट, अच्छा क्वेश्चन है, हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड, और ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रक नॉर्थ की ओर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड, टर्न्स वेस्ट and travel with same speed मतलब 20 meter per second की, पहले north तरफ जा रहा था 20, फिर west तरफ मुड़ गया 20 meter per second, क्या पूछा गया, change in velocity, change in velocity। जैसे मैं बता, ओडिशा जेई का क्वेश्चन है 2011 का, तो कुछ नहीं है, देखिए इसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। हमने भी बताया था कि नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड, ये मान लो बी हमें कितना दिया गया, 20 मीटर पर सेकेंड, टर्न्स वेस्ट मतलब वेस्ट तरफ मुड़ गया और सेम स्पीड, ये भी टू वेक्टर है वेक्टर, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है। चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया है, चेंज इन वेलोसिटी, वैसे चेंज इन वेलोसिटी कोई भी निकाल सकता है, बच्चा क्या करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, इसको यहां से मिला देता है, चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन वाला लोचा है ना, वो दिक्कत पैदा कर देता है, डायरेक्शन का लोचा। अब देखिए डायरेक्शन का लोचा क्या होता है, जैसे आपने डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया, आप पता है ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर आंसर आ जाएगा 20 रूट 2, डायरेक्शन निकालेंगे आपको ये मिलेगी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, जो भी गलत हो जाएगा। आप देखो हमें पता है बी1 बराबर कितना दिया गया है, समझो 20 जे है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपको जो वेक्टर दिया गया ना बी1 को 20 जे कैप है, इधर जे माइनस जे आई माइनस आई, अभी थोड़ी देर बोलता है, फिर ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड किधर, वेस्ट तरफ, इधर कौन सा वेक्टर आएगा, माइनस आई माइनस का आई, तो जो आपका बी टू वेक्टर है वो है माइनस का, तो कभी 20 या माइनस का आई के प्रयास से लिख सकते हो माइनस का 20 आई के, ये तो बी टू वेक्टर है, ये बी टू है और ये बी वन है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी आएगा बी टू वेक्टर माइनस v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। देखो हमने क्या बताया था, ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो v2 वेक्टर है उसमें हम किसको ऐड करेंगे, माइनस v1 को ऐड करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। अगर इस नजरिए से अभी हम बात दोनों चीज क्लियर रहेंगे कि ऐसे गलत क्यों हो रहा था, अब देखो गलत क्यों होता, अब v2 माइनस v1 कर दो, आप v2 आ गया माइनस का 20 आई और माइनस v1 है माइनस का 20, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी है वो माइनस 20 आई माइनस 20 जे होगा, देखो माइनस 20 आई माइनस 20 जे का होगा, ये होगा माइनस का 20 आई, यही है ना, और ये होगा माइनस का 20 जे,
ये हो गया माइनस का 20 आई, ये हो गया माइनस का 20, यही आया चेंजिंग वैल्यू। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाला चेंजिंग वैल्यू, डेल्टा भी यहाँ आ रहा आपका, ये आया आपका डेल्टा भी, ठीक है ना। तो अब डायरेक्शन देख लो, अब आप मैग्नीट्यूड का निकालना है, डेल्टा भी का तो मैग्नीट्यूड की दिक्कत ही नहीं है, कितना आई की ऑप्शन का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, मतलब माइनस 20 का स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर एक ही बात प्लस नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा ये 20√2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी आ आप इधर देखो माइनस 20 आई माइनस 20 ये माइनस 20 आई माइनस 20 ये, तो डायरेक्शन ये आई कौन सी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट, और ऐसे क्या आ रहा था ये देखो नॉर्थ वेस्ट। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि वेक्टर सबट्रैक्शन का मतलब होता है एडिशन विद रिवर्स वेक्टर, तो अगर v2 में हम माइनस v1 को ऐड करें तो हमारा आंसर यही आएगा, समझ गए ना। चलिए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें गलती होने की जो चांस था वो मैंने बता दिया, गलती होने का था बच्चा सीधा ये और ऐसे निकालता तो चेंज इन वेलोसिटी में सही आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन जो है ना वो गलत आ जाती है। तो आपको नॉर्थ दिया गया मतलब इधर जा रहा था, v1 हो गया, v2 गया, डेल्टा v2 सॉरी डेल्टा भी निकालना, तो v2 माइनस v1 ये v2 है और ये v1 है, कर दिया दोनों माइनस माइनस है, डेल्टा भी क्या है माइनस 20 आई माइनस 20 है माइनस 20 आई माइनस 20 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये डायगनली होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आंसर आ गया, अब यहां से देख रहा है डायरेक्शन क्या है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का नेचर, तो ये था। अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, एक और प्रिय क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले एक हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट इफ नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम देन angle between the forces theta equal to 360 upon m। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गया कि अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा इफ नंबर ऑफ सेम कॉन्करेंट फोर्सेस सॉरी सेम अगर एक बॉडी पर एक से ज्यादा सेम फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब हिल नहीं रही है, मतलब उस पे नेट फोर्स कितना है जीरो है, तो उन सभी फोर्सेस के बीच में जो एंगल होगा उसका फार्मूला होगा 360 अपॉन एन। इसको नोट कर लो, इफ नंबर ऑफ सेम कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी रिमेंस इक्विलिब्रियम देन एंगल बिटवीन द फोर्सेस थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, जहां एन क्या है नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस। तो इसको नोट कर लो, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, अभी मैं दूंगा क्वेश्चन। ये सारी चीज इसलिए बताई जाती है कि अगर आपको छोटी छोटी चीज पता है तो आप अननेसेसरी लंबा प्रोसेस करने से बच पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नहीं तो बहुत लंबा करना पड़ता आपको, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, इफ
sum of two unit vectors is a unit vector, then magnitude of difference is बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीपीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी में भी आया हुआ है। मैंने क्या बोला, सीपीएमटी में भी आया, सीबीएसई पीएमटी में भी आया, पहले आता था, अभी तो नीट हो गया। चलिए, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर जो है n1 और n2, ये दो यूनिट वेक्टर है, इनका जो सम है हमने मान लिया वो ns वेक्टर है, सम। अब ये जो आया ना, ये यूनिट वेक्टर है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, हमने एक इक्वेशन बना ली ns वेक्टर, ns का मतलब सम ऑफ दीस टू यूनिट वेक्टर, इन दोनों यूनिट वेक्टर का ये सम है। तो पूछ रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज, तो ये यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसे सुनिए, दो यूनिट वेक्टर हैं, इनका जो सम आएगा, अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये एक यूनिट है मतलब वन है, तो इन यूनिट वेक्टर्स का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन ऐसे ही है ना। तो चलिए सेल्फ प्रोडक्ट ले लो, सेल्फ प्रोडक्ट समझते हैं ना, वेक्टर का उसी से गुणा, मतलब ए स्क्वायर कर दो, तो एन एस स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर प्लस टू एन वन एन टू कॉस थीटा स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या है, सम है दोनों यूनिट वेक्टर का, और ये कितना दिया गया, वन, ये भी वन है, ये भी वन है, प्लस टू, वन इंटू वन मतलब वन ही रहेगा, और थीटा डायरेक्ट होगी वन वन, यूनिट वेक्टर है ना, इनकी वैल्यू कितनी होती है, वन, ये वन से वन कट गया, ये वन इधर जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का हाफ, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120। तो हमें ये पता चल गया अगर दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर ही आता है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, बात नंबर एक। अब ये कह रहा है इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब एन वन माइनस एन टू, यही मेरी क्वेश्चन बने की डिफरेंस। अब डिफरेंस का ये वेक्टर आया, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे ना एडिशन से ये वेक्टर आया था, इसका हमें मैग्नीट्यूड बन दिया गया, हमने इसका स्क्वायर किया, मैग्नीट्यूड बनाया पहले, मैंने कहा रिजल्ट एट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगेगा, आर स्क्वायर बराबर आर वेक्टर बराबर पी प्लस क्यू, नहीं करना है, ये आर वेक्टर है मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सेम फार्मूला लगा लो, एन डी स्क्वायर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर माइनस टू एन वन एन टू कॉस थीटा, ये हमें एन डी चाहिए, एन डी स्क्वायर इक्वल टू एन वन स्क्वायर वन वन माइनस टू और cos 120, एंगल तो हमें पता चली है ना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस 2 1 इनटू 1 1 ही रहेगा, तो 1 लिखा नहीं, cos 120 ये रहेगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 और cos 120 कितना होगा, माइनस आप माइनस माइनस है, तो कितना जाएगा, 2 से 2 भी गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, तो n d इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ एनडी का स्क्वायर था। तो क्वेश्चन था कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना आया, अंडर रूट ऑफ 3। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे लिखने में टाइम चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टू फोर्सेस पी एक्ट्स एट अ पॉइंट इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, दो इक्वल फोर्स हैं 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहे हैं, एफ1 बराबर भी एफ है और एफ2 बराबर भी एफ है, 120 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं। हम आपको बता दें मजेदार वाली चीज है, जब हम इसी वेक्टर में आगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बताएंगे तो उसमें ये फार्मूला भी हम नहीं लगाएंगे, पी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, तो हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। फिलहाल
अब इसमें कुछ नहीं, दोनों एफ एफ एल सीरीज में 120 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर बंद कर ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तुम्हें पी और क्यू दोनों सेम दिए गए, एफ एफ दिए गए, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन फोर्स का है, ये एफ वन एफ टू दिए गए, पी क्यू, तो आप इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लो। आप इसमें जो एफ स्क्वायर बराबर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा, ये चीजें तो आनी चाहिए। रटो मत कि P और Q होते दो वेक्टर, दो फोर्स दे दिए गए, तो P भी जगह F1 F2 हो गए, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स ही आएगा ना। हमने इसको नाम R को F दिया, R का मतलब क्या, रिजल्टेंट। अब ये दो वेक्टर दो फोर्स है, तो रिजल्टेंट में फोर्स ही आएगा ना। तो फॉर्मूले कैसे लिख लो, अब F1 भी F है, F2 भी F है, ये भी F और ये भी F है, तो ये F रिजल्टेंट पूछा गया, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स। ये F1 क्या, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F1F2, F इसमें हो जाएगा F1 भी F2 और cos थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री, हो गया यार ये 2F स्क्वायर हो गया, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 माइनस का हाफ होता है, ये दो से दो गया, ये माइनस है, तो 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर कितना हो जाएगा F स्क्वायर। तो F रिजल्टेंट का स्क्वायर आ गया F स्क्वायर, तो F रिजल्टेंट कितना आएगा। अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो वेक्टर इंपॉर्टेंट रिजल्ट से कहना कि हमने कहा ना कुछ चीजें तुम्हें याद हो जानी चाहिए, अगर दो वेक्टर सेम है, उनके बीच में एंगल 120 है, तो उनका आंसर भी वही आएगा। जैसे क्वेश्चन और बता देता हूं, जैसे एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 120 एंगल पे, तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप बताएंगे 10 न्यूटन। दिमाग बैठा लो, दो सेम फोर्स अगर 120 पे इंक्लाइन हो रहे हैं, तो उनका आंसर भी वही आएगा जो दोनों फोर्स हैं। 20 न्यूटन दो फोर्स लग रहे हैं 120, नेट फोर्स कितना आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये एक तरह से, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है एक तरह से, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन और काफी चीजें छोटी छोटी बहुत आसान और हो जाएगी, तो ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था कि हर चैप्टर में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनका न्यूमेरिकल्स का भी वीडियो हम बनाएंगे साथ साथ, तो उसी कड़ी में ये पहला वीडियो था काइनेमेटिक्स का, सॉरी मोशन ने प्लेन का, हमने वेक्टर एडिशन और सबट्रैक्शन पढ़ लिया, फिर हम वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, उनके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उनके भी क्वेश्चन करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सबका साथ में न्यूमेरिकल का सेक्शन भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two equal forces acting at a point with an angle of 60 degree. ये भी वैसा ही है। Two equal forces acting. Two equal forces दोनों की वैल्यू दी गई साइड। Two equal forces नहीं दिया गया है। Acting at a point with an angle. Two equal forces acting at a point with an angle. 60 दो इक्वल फोर्स हैं 60 डिग्री एंगल पर एक्ट हो रहे हैं, और इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 40√3 न्यूटन, इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 40√3 न्यूटन, तो क्या पूछा गया हो ये दोनों फोर्स कितने कितने, देन फाइंड फोर्स, या दो फोर्स लग रहे हैं एक बॉडी पे, दो फोर्स लग रहे हैं कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, ये कोई बॉडी है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों सेम है, एफ एफ, एंगल कितना दिया गया 60 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट हमें दिया गया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, एफ रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos theta, हमें ये दिया गया है 40√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे इसका 40 का स्क्वायर 1600 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से गुणा करेंगे 4800, ठीक है ना, इक्वल टू
गैस को स्क्वायर नहीं करना चाहो तो यहाँ आप अंडर रूट लगा सकते हो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं करना चाहो तो मुझे लगेगा बहुत बड़ी नंबर है, स्क्वायर कैसे करें, तो आप स्क्वायर हटा दो, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, यहाँ लगा दो, ऐसे कर दो। ये कितना दिया गया, 40√3 दिया गया, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर, f1 सेम है मतलब f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर cos थीटा होता है हाफ। f1 f2 दोनों सेम दिए गए, हमने f ले लिया cos थीटा हाफ, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर इक्वल टू 40 अंडर रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, इधर f स्क्वायर है तो बाहर हमें आप f आ गया f इक्वल टू 40 न्यूटन। इससे क्या हुआ, आप यहाँ पर स्क्वायर करें ना बहुत बड़ा टर्म आ रहा था, खत्म गया। तो ये आपको टेक्निकली चीज सोचनी होती है कि हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं बार बार कहता हूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें या उतनी ज़्यादा तरीके आपके पास होंगे। हमने पहले इसको स्क्वायर किया था, मैंने कहा बहुत बड़ा हो रहा है, फिर मुझे लगा कि सारे अंदर सेम ही तो हैं, अपने आप कटा भी वापस आ गया सेम एफ स्क्वायर अंडर रूट अंदर, तो अपने आप ये बाहर आ गया ना, हमें इसे स्क्वायर करना ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ बहुत सारे टर्म होते ना तो अंडर रूट से बाहर नहीं आते, तो हमें इसे स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ता, 40 न्यूटन हो गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं एक दो। चलिए थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, देखिए अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी का क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन है थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अभी मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट आज की तारीख में, कि अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हो तो सारे सेम हो, और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम हो तो एंगल बिटवीन द फोर्सेस मैंने बताया था 360 अपॉन एन होता था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या सिस्टम इज जीरो। What is the angle between them? Also name the triangle formed by the forces as side. चलिए, तो बॉडी में तीन फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में, तो मैंने बताया था एंगल बिटवीन होगा कितना होगा 360 अपॉन एन, डायरेक्ट करो 360 अपॉन एन की जगह 3 120 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि जो तीनों फोर्स लग रहे हैं वो 120 के एंगल पे लग रहे हैं, इस तरह से कुछ है। और इसको हम देखो ऐसे ही समझ सकते हैं, देखो ध्यान से कल्पना कर लो ये सारे 120 है, 120 120 120, एफ एफ और एफ, और नेट फोर्स देखो जीरो कैसे होगा। आप इन्हीं दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालो। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर दो सेम फोर्स 120 पे हैं, अभी मैंने बताया था, मैंने कहा ना यही तो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ये एफ है और ये एफ है, अगर इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है तो इनका जो रिजल्टेंट आता वो एफ ही आता है, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा एफ ही आता है, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ आता है, निकालने की जरूरत नहीं हुआ आपको। तो देखिए क्या होगा, ये F 120, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, यहाँ पर F आएगा ये F, अब ये F और ये F दोनों ऐसे अपोजिट है तो नेट फोर्स कितना आएगा जीरो आएगा, तीन फोर्स लग रहे थे बॉडी पे लेकिन चूंकि 120 120 120 लग रहे थे तो नेट फोर्स कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। और वही क्वेश्चन कह रहा था कि फोर्सेज आ रहे इक्विलिब्रियम तो एंगल कितना होगा, तो हमने एंगल निकाल लिया, उस एंगल में आप वेरीफाई करके आपको बता भी दिया गया है कि एक्चुअली है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मान लो टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एक्ट ऑन अ बॉडी, दो फोर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है एक सी बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, हमें नहीं पता कि किस एंगल पे एक्ट हो रहे हैं। आप उसे कह रहा है एंड रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज सेम एज द फोर्सेस, अप्लाइड then find angle between the forces। देखिए मैं तीन क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है, तीन घुमा घुमा के तीन अलग तरह से कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। एक बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों मैग्नीट्यूड कितने हैं, सेम है, उनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड वही है जो दोनों फोर्स हैं, तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना, मतलब आपको इनडायरेक्ट में क्या कह दिया, जो P वेक्टर है वही Q वेक्टर है वही R वेक्टर है, तीनों बराबर हो ना, P और Q दो फोर्स है, मतलब जो F1 भी F है, F2 भी F है और F रिजल्टेंट भी कितना है F है, ऐसे समझो ना। देखिए मैग्नीट्यूड मतलब F1 का मैग्नीट्यूड भी F है, F2 का मैग्नीट्यूड भी F है, रिजल्टेंट है उसका भी F है, तीनों चीजें सेम होगी, कुछ पढ़ लो, दो फोर्स है सेम मैग्नीट्यूड के, उनका जो रिजल्टेंट है वही है वो जो दोनों फोर्स थे, इसका मतलब तीनों चीजें बराबर होगी ना, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, तो आपको F1 दिया गया, F2 दिया गया, नेट फोर्स दिया गया, थीटा ही पूछा गया, कौन सा फॉर्म लगाओगे, नेट फोर्स का या रिजल्टेंट का फॉर्म था, हमने बताया था F नेट है, F रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, खत्म करो यार, F1 भी F है, F2 भी F है, F resultant भी F है, तो कितना एंगल आएगा 120, तो और भी क्वेश्चन है, कट चुके हैं, आप का मतलब F स्क्वायर यहां भी आएगा, F स्क्वायर यहां भी आएगा, F स्क्वायर यहां भी आएगा, 2F स्क्वायर यहां भी आएगा और cos थीटा, ये गया, इस F स्क्वायर के इधर ले आओ तो माइनस का F स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2F स्क्वायर cos थीटा, उड़ाओ cos थीटा इक्वल टू आ गया माइनस का हाफ, दिस गिव थीटा इक्वल टू 120। कहाँ प्रॉब्लम है, वेक्टर एडिशन के क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, क्वेश्चन नंबर 8, हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, आप सुनिए क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं आधी आधी लाइन में समझ ही पाओगे यार, देखने में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कहने का मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्या कह रहा था मैं, हाँ क्वेश्चन नंबर, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इधर 12 मीटर मिला, फिर 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, ईस्ट में गया फिर नॉर्थ गया फिर वर्टिकली अपवर्ड, मैंने कहा ना फंस जाओगे तुम, तुमसे नहीं बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब जेड एक्सिस है, तो इसको आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट से करें, नहीं तो आप ऐसे करके कहाँ बनाओगे, ऐसे करके नहीं बन पाएगा ना, चलो फिलहाल कितना है 6 मीटर, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसे दिखा दो आप 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, वैसे हमने काइनेमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन किया था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था,
यहाँ पर भी वेक्टर एडिशन करना है, डिस्प्लेसमेंट में भी वेक्टर एडिशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी में निकालना, वही कॉन्सेप्ट वहाँ था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला एडिशन वेक्टर, तो ये वेक्टर 12 मीटर ईस्ट, 12 वाई हो गया, फिर 5 मीटर नॉर्थ, 5 जी हो गया, फिर 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 6 जी हो गया, एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई के लिए जे और जेड के लिए के हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ, पता ही है साहब, 12 का स्क्वायर आएगा प्लस 5 का स्क्वायर आएगा प्लस 6 का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा भाई 144, 25, 36 कर लेना सॉल्व, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितने मीटर आएगा पता नहीं, अंडर रूट लेना पड़ेगा, कर लेना यार, उसमें है क्या फालतू में इसको इतना ऐड करेंगे, फिर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेना तुम्हें आता ही यार, इसमें क्या दिक्कत है, ये वैसे हो कितना जाएगा 6, 5, 11, 11 और 4, 15 अंडर रूट ऑफ कटवाती मान ली सुन लो 15 का 5, फिर अगर सीधा जोड़ना 44 में 36 जोड़ेंगे तो 180 जाएगा, 180 और फिर 25 को 05 हो गया ना, सीधा सीधा जोड़ना 144 और 36 कितना होगा 180, 180 और 25 कितना होगा 05, कितना है स्क्वायर रूट 13, 13, 16, 9, 15, 15, 225, 14, 5 कुछ आएगा, 14, 14 जब हमने 14, 5 कुछ आएगा कर लेना, ऑप्शन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने एडिशन पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था उसमें एक ही फार्मूला होता है, चाहे ट्रायंगल लॉ है या पैरेलोग्राम लॉ है, आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, तो हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने कोई फार्मूला लगाया कि हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर था इसमें स्पेशली वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने पे था, कि 11th क्लास के बच्चे 10th से आते हैं तो उनको ये चीज़ें भी थोड़ी भारी लगती हैं, हालांकि इसमें कुछ बड़ा नहीं है, अब आपको बता दिया गया था, आपको भी लगता है यार एक ही तो फार्मूला वही लगाना बार बार, कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स पे आपको अब ध्यान होनी चाहिए कि 2/4 अगर सेम है 120 लग रहे तो उनका रिजल्टेंट भी वही आता है, 3/4 अगर सेम है 120 लग रहे तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है, तो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं, यही चीज़ें आपको एक ट्रिक के फॉर्म में, जैसे लोग कहते हैं ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, सॉल्यूशन से ही सारे रिजल्ट्स आते हैं, उन्हीं को हम याद कर लेते हो, कहते हैं ये हमारी ट्रिक बन गई, 3 लग रहे हैं आंसर 0 है तो 120 एंगल होगा, क्यों होता है आपको हमने मैथमेटिकली यहाँ करके दिखाया था। तो रेगुलर वीडियो लेक्चर सारे आप देखते रहिए, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है ना, सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, बस घर पे आराम से रहिए, मोबाइल से पढ़ाई करते रहिए, कॉपी पे नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि किसी दिन आपके मोबाइल में डाटा नहीं हुआ तो देखोगे कहाँ से, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर चैप्टर के सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो टॉपिक अच्छा लगा वो पढ़ा दिया, कई लोग करते हैं यूट्यूब पे जो चीज़ अच्छी लगी वो पहले पढ़ा दी, अच्छी अच्छी 5-7 चीज़ें पढ़ा के डाल दिया वीडियो, तो हम आपका सिलेबस कंटेंट लेकर के आ रहे हैं बाकायदा, जो 11th का सिलेबस है 12th का वो हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स के साथ, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए, विशेषकर छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, और वीडियो देखते रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।